किसान नेता राकेश टिकैत ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ वोटों के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रही है। रोमानिया की सीमा पर पाकिस्तानी दूतावास भारतीय छात्रों की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास के लोग वहां पर मौजूद नहीं हैं, फिर भी पाकिस्तानी दूतावास भारतीय छात्रों की मदद कर रहे हैं। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र और जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर की जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने सूचना जारी करते हुए कहा कि पेंशन भोगियों को अपना आधार अपने मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। सुल्तानपुर में बल्दीराय तहसील क्षेत्र के पारा बाजार में आगामी 6 अप्रैल को इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र मुंशीगंज के बैनर तले नेत्र कैंप लगाया जाएगा, जिसमें मरीजों के आंखों की सभी जांचें और उसके बाद ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। जगदीशपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा टांडा में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन महामाया शिव मंदिर में शिव बारात बड़ी धूमधाम से निकाली गई, साथ ही वहां पर शिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया। अमेठी के सरस्वती विद्या मंदिर में 7वें वार्षिक समारोह पर महिला सशक्तिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 बच्चों ने भाग लिया। अमेठी में पीपरपुर क्षेत्र के हरिपुर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कलश यात्रा भी निकाली गई। अमेठी के गौरीगंज में जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने मनीषी महिला महाविद्यालय और इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अयोध्या के जिला अधिकारी आवास पर लगे हरे रंग के बोर्ड को हटाकर भगवा रंग का बोर्ड दोबारा लगाया गया। दरअसल डीएम के फटकार लगाने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बोर्ड को दोबारा बदला। अयोध्या के धर्म नगरी में नवगाजी बाबा का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं। बहराइच में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना हरदी का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के करीबी अबू जैस अंसारी संग्राम यादव के समर्थन में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही रमाकांत यादव के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कानपुर के गल्ला मंडी में स्ट्रांग रूम की निगरानी में बिल्हौर से सपा प्रत्याशी रचना सिंह गौतम और उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। रचना सिंह ने स्ट्रांग रूम पर बराबर नजर बनाई हुई है। गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस प्रत्याशी सुनील राम के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बस्ती जिले के सदर विधानसभा में गांधी कला भवन बूथ में जब मोहम्मद इस्लाम अपना वोट डालने पहुंचे तो पीठासीन अधिकारी ने मोहम्मद इस्लाम से कहा कि आपका वोट 8 दिन पहले ही पड़ चुका है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।